हेलो फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार हम अगर सही तरीके से खाना नहीं खाते हैं या फिर थोड़ा ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो उसकी वजह से बदहजमी की प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ना ही हम सही तरीके से बैठ पाते हैं और ना ही सही तरीके से खड़े हो पाते हैं। इसीलिए मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे तरीके जो रिलेटेड है मिंट यानी कि पुदीने से, और आपके पेट की बदहजमी को रिपेयर करने के लिए ये काफी अच्छे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि हमारे पेट के अंदर बदहजमी होती क्यों है। जब हम बहुत ज्यादा तेल मसाले वाला खाना एकदम से कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से हमारे पेट में बदहजमी की प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो जाती है। इसीलिए जब भी आप खाना खाएं तो धीरे धीरे करके खाएं और पूरे तरीके से खाने को चबाकर खाएं। अगर आप तेल मसाले वाला खाना खाने के शौकीन ही हैं, तो अपने खाने के साथ छाछ या फिर दही जरूर रखें, क्योंकि दही खाने के तेल मसाले को कंट्रोल करके बदहजमी को रोकने में और खाने के लेवल को मेंटेन करने में काफी ज्यादा मदद करती है। इसी के साथ साथ अगर इन सब को करने के बावजूद भी आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उसका नतीजा आपको बदहजमी से भुगतान करना पड़ता है, तो इसीलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप पुदीने का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पेट में कब्ज, एसिडिटी या फिर बदहजमी हो गई है तो आप पुदीने का जूस बनाकर उसे कंज्यूम कर सकते हैं। पुदीने का जूस बनाने के लिए आपको केवल पुदीने की पत्तियों, चीनी, आइस क्यूब और पानी की जरूरत है। पुदीने की पत्तियों को एक ग्लास पानी के अंदर कम से कम आप 10 मिनट के लिए डिप करके रखिए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं और आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप पुदीने की पत्तियों को थोड़ा सा क्रश करके पानी के अंदर मिक्स कर सकते हैं और उसके बाद उसके अंदर आइस क्यूब और चीनी मिलाकर इसी का सेवन कर लीजिए। अगर आपको इसका टेस्ट थोड़ा सा अटपटा लगता है तो आप इसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शहद या फिर काला नमक मिला सकते हैं। अगर आप इसे बदहजमी के तुरंत बाद एक ग्लास की मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो ये न केवल आपके पेट की कब्ज और एसिडिटी को शांत करती है बल्कि आपके पेट को साफ रखने में भी आपकी काफी मदद करती है। सो दोस्तों, आज के बाद जब भी बदहजमी सताए तो पुदीने का इस्तेमाल जरूर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।